તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અને ન્યૂઝમાં હું છું મિક્ષુ ઠક્કર આપની સાથે. તારીખ 26/12/2021 ના રોજ ગોધરા શહેરના સત્યમેવ જયતે યુવક મંડળ દ્વારા પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગોધરા શહેરના મંસૂરી સમાજના આગેવાન સિરાજભાઈ મંસૂરી અને માસ્ટર મિર્ઝા સાહેબના સાત સહકારથી યુવાનો અને મહિલાઓની એકતા, રોજગારી અને શિક્ષાના લીધે પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં સત્યમેવ જયતે યુવક મંડળના પ્રમુખ ઉવેશ કલંદર, પંચમહાલ જિલ્લા સત્યમેવ જયતે યુવક મંડળ વેજલપુરના પ્રમુખ ફિરોજ ચાચા, મુગદલ યુવક મંડળના પ્રમુખ ફાતેમા બહેન, કોલસાવાડા માજી કાઉન્સિલર સિદ્ધક ચલાલીવાડા, ઉસ્માન દુલ્લી સાહેબ વગેરે આગેવાનો હાજર રહ્યા. સત્યમેવ જયતે યુવક મંડળની પૂરી ટીમ પ્રોગ્રામમાં આવવાવાળા યુવાઓ, મહિલાઓ અને આગેવાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રગટ કરે છે અને સિરાજભાઈ મંસૂરીનો ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રગટ કરે છે. સલામ કરતા હું, હર અહેલે ફજલ કા ઇહતરામ કરતા હું. અસલામ અલયકુમ. બહોત સારી ચીજે કરની હૈ और बहुत सारे लोगों को आमंत्रण किया था, लेकिन शॉर्ट टाइम पे अभी कोरोना के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम को शॉर्ट किया. लेकिन मैं इस बात को ध्यान देते हुए शुरू करना चाहूँगा अपनी बात, कि अपने आप को हम सबको सुरक्षित करने के लिए, अभी कोरोना से बचने के लिए, इसलिए बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि वैक्सीन मार्केट में सभी लोग ले रहे हैं तो उसकी जागरूकता हो और सभी आपस में एक दूसरे को वैक्सीन लगाएं और लगवाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है. कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीन है, इसलिए कि आपस में हम सबको एक दूसरे को बचाने की ज़रूरत है. और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकता, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकता. जब तक रब न चाहे मेरी जान नहीं ले सकता, जब तक रब न चाहे मेरी जान नहीं ले सकता. मैं घर से निकला हूँ बांध कर सर पे कफन, मैं घर से निकला हूँ बांध कर सर पे कफन. मैं लड़ूंगा युवाओं के हक के लिए और मुझसे किसी माई का लाल नहीं बोल सकता. आज हमें बहुत एक होने की जरूरत है. मैं हर जगह पे कदम कदम पे और पूरे पंचमहाल के और गुजरात के कई इलाकों में मैंने प्रोग्राम किए हैं और मैं उन सभी लोगों के पास जाऊंगा और उन सभी को मदद के रूप में खड़ा रहूंगा जहां जहां मेरी ज़रूरत होगी, और जहां जहां भी हक को दबाया जाएगा मैं वहां खड़ा रहूंगा. और मैं गुजराती में कहूं तो यूँ कहूंगा कि गोधरानी धरती पर थी अने गुजरातनी आ धरती पर आ घाचीनो दीकरो आयो छे अने बधाना हक माटे लड़शे अने बधाना साथे उभो रहेशे. और साथ में ये कहूंगा कि महिलाएं, उनका आवाज, उनका रोजगार, युवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा और उनको उनका हक दिलाऊंगा. उनका हक जहां से भी लाना होगा हम वहां लड़ेंगे, वहां आंदोलन करेंगे. ये गांधी की धरती है, हम यहां पे इनकलाब लाएंगे. और महिलाओं के लिए मैं अगत्य की बात ये कहूंगा कि महिलाओं के बहुत सारे अभी देश के अंदर, कई जिलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर ये माहौल है कि महिलाएं एमएलए हैं, महिलाएं सांसद हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये गोधरा में ऐसा है कि महिलाएं आगे ही नहीं है. जहाँ तक कि बहुत कोशिश करते हैं तब भी महिलाएं जुड़ती नहीं है. उसका कारण ये है कि जब हम अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए, आपस में सबके लिए सोचेंगे तो यकीन मानिए कि हम सब एक हो सकते हैं. वो लकड़ी वाली बात तो फेमस ही है, सबने सुनी होगी कि सब मिलकर लकड़ियाँ तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी, एक एक होगी तो कोई भी तोड़ देगा. इसलिए हमें एक होने की इसलिए ज़रूरत है. आज देखो कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है. उसका सही यही एक नॉर्मल कारण तो यही है कि शिक्षा नहीं है हमारे अंदर. मैं हर जगह पे, हर स्टेज पे ये बात कहता हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए. हमने जो चीज़ हासिल नहीं की है वो हासिल कराइए उनसे, उनको इतना पढ़ाइए, ग्रेजुएट तक ले जाइए. क्योंकि अभी शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें हर जगह कदम कदम पर हमारी रक्षा करेगा. और उन लोगों को खरीदिए, आपको जो ताकत सिखाए, हिम्मत सिखाए, उनसे कुछ नहीं होता है. आपको जो कलम की ताकत दिखाए उनके पास बैठिए, उनके पास सीखिए. और हर बार मैं ये कहता हूँ कि आधी रोटी खाइए, भूखे रह जाइए, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए. अपने बच्चों को जब तक हम पढ़ाएंगे, जब तक हम अपने बच्चों के अंदर शिक्षा लाएंगे, शरीयत के दायरे के अंदर, दीन दुनिया के दायरे के अंदर उनको खूब पढ़ाइए,
कुराने करीम में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो अल्लाह तबारक व ताला का है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने किसी चीज का बार बार जिक्र किया है तो वो है इल्म। बार बार उसका जिक्र हुआ है अल्लाह के नाम के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा नाम लिया गया है कुरान के अंदर वो इल्म है। और मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज हम उससे दूर हो रहे हैं, लेकिन हमें सत्यमेव जयते योग मंडल का साथ इसलिए देना है कि सत्यमेव जयते योग मंडल आपकी शिक्षा, रोजगारी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ेगा, महिलाओं के गुरु उद्योग में खड़ा रहेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हुए रोकने के लिए खड़ा रहेगा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खड़ा रहेगा, युवाओं को एक साथ लाने के लिए खड़ा रहेगा, युवाओं को सपोर्ट देने के लिए खड़ा रहेगा, और सबको साथ लेकर चलना है। ये हमारे वेजलपुर भाई से भी भाई लोग आए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपका जो आना ये इस बात की गवाही देता है कि सत्यमेव जयते के साथ आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत होगा, और आने वाले समय के अंदर वेजलपुर के भी अंदर सत्यमेव जयते के साथ युवाओं का बोलबाला होगा। और पंचमहल जिला के अंदर ये नहीं कि आप वेजलपुर से तो वेजलपुर ही काम करेंगे, हमारी टीम पूरे गुजरात में काम करेगी, और जहाँ जहाँ भी युवा महिलाएं और हमारे भाई जब जहाँ भी मुसीबत में होंगे हम सभी धर्म को एक साथ में लेकर सबकी मदद करेंगे। और मैं एक बात कहूंगा जो मैंने खुद ने लिखा है तो उसको मैं कहना चाहूंगा कि तूने थका है कि फिर हिम्मत कर तुझे और चलना है, तूने थका है कि फिर हिम्मत कर तुझे और चलना है, क्या हुआ जो तू है अकेला, क्या हुआ जो तू है अकेला, मत लड़कना तुझे और चलना है, जीवन पथ मुश्किलों के डगर डगर, मत घबराना तुझे गिरना संभलना है, जीवन पथ मुश्किलों के डगर डगर, मत घबराना तुझे गिरना संभलना है, तेरा साथी तेरा अकेलापन है, मुस्कुरा तुझे और चलना है, घर मंजिल नक्शे धुंधला जाए, अगर मंदिर नजरों से धुंधला जाए तो आंखें मिच कर तुझे बैठना है, थपकी देकर सत्य सो जाना कि मंजिल दूर है तुझे और चलना है, तेरा पंथी तू तो स्वयं है, खुद का सारथी बन तुझे ही गिरना संभलना है, रोना मत किसी पगर में कर आंसू पोंछ के तुझे और चलना है, सत्यमेव जयते तुम्हारा पंथ ही है उवेश का ये कहना है, रोना मत किसी गड्ढे में गिर कर मुस्कुरा तुझे और गिरना संभलना है। अब जब को भी किसी को भी यहाँ पे हो या कहीं पे भी मेरा नंबर मैं दे दूंगा, कहीं पे भी महिलाओं के लिए उग्र उद्योग की बात करेंगे तो हम मांग करेंगे, जैसे भी हो युवाओं के शिक्षा की बात होगी तो वो हम करेंगे, सबके साथ हम होगी, ये हमारी टीम है, उनको मजबूत करना है, ये नहीं कि प्रोग्राम आया हुआ खत्म हो गया, ये नहीं है, ये इंकिलाब की लड़ाई है, ये साथ मिलजुल कर काम करने का काम है, ये हम सबको एक होने की बात है, और उसके साथ साथ ये समाज के लिए एक बुनियाद है, जो हो चुका वो हो चुका, उसको याद ना करते हुए जो करना है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और मैं यही कहूंगा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले थे तो अकेले निकले थे, और जब इंकिलाब आया था और जब फतेह मक्का में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी फतेह मक्का जब करने निकले तो लाखों सहाबा उनके साथ थे। तो इस बात की यह है कि आदमी पहले शुरुआत में अकेला भी काम कर सकता है, वो अकेला हो सकता है लेकिन वो डर नहीं सकता, जो डरता है वो मरता है, ये कहावत आम है, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं, हम एक दूसरे का कदम से कदम मिलाते हुए वेजलपुर हो शहरा हो या पंचमहल का कोना कोना हो, हम वहाँ पे महिलाओं के लिए भी लड़ेंगे, हम वहाँ पे युवाओं के लिए भी लड़ेंगे, सबको शिक्षा दिलाएंगे, जो अशिक्षित हैं उनके साथ शिक्षा बनकर खड़े रहेंगे, जो कमजोर हैं उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए खड़े होंगे, जो बेरोजगार हैं उनके लिए हम रोजगार की मांग करेंगे। और बात मैं बस यही कहूंगा कि शरीयत के दायरे के अंदर रहकर सब एक दूसरे को मदद कीजिए, शिक्षा हासिल कीजिए, ये माहौल अभी बहुत सब लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, कोरोना के बाद कोई अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो रोजगार थे कितनों के ऐसे रोजगार हैं जो बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसे माहौल में बिल्कुल डरना नहीं है, जो डरेंगे वो मरेंगे और शर्माएंगे भी नहीं, जो शर्माते हैं वो कर्माते हैं, ये भी नहीं करेंगे, हमें करना क्या है, क्योंकि जो हम जब तक हम करने के कामों में नहीं लगेंगे तब तक हम ना करने के काम करेंगे, और ना करने के काम तब तक करेंगे जब तक करने के कामों में नहीं लगेंगे, तो
तो करने के कामों को करते हुए मैं अपने बात को शॉर्ट बस यही खत्म करूंगा कि बस एक दूसरे को मदद करते हुए जहां जहां भी लगे कि मेरी जरूरत है, मैं यहां पे मैंने सफुरा चाची को यहां का महिला उद्योग के लिए प्रमुख बनाया हुआ है और रेजलपुर से फिरोज चाचा को बनाया हुआ है और यहां पे सिराज चाचा मंसूरी है, उनसे आप मिलिए और जो भी प्रॉब्लम हो आपका बताइए, हम आपके साथ रात हो या दिन हो हम खड़े रहेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। हमारी इन्हीं न्यूज चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावा ना भूलता।